आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डायमंड एंड ग्रेफाइट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो देखिए, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले वो बना लेते हैं। ये आपका एक जाइंट कोवेलेंट होता है, इसमें जो कार्बन होते हैं, एक कार्बन चार कार्बन अटैच रहते हैं, sp3 बनता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस तरह का बनता है। देखिए, ये मान लीजिए कार्बन है, फिर यहाँ पे जुड़ा होगा इस कार्बन से, ये कार्बन जुड़ा होगा तीन कार्बन से, इस तरह से, मतलब सॉरी चार कार्बन से, एक ऊपर नीचे, इस तरह बन गया। ठीक है, इसके बाद फिर इसको थोड़ा देर कर देता हूँ, इस तरह से। ठीक है, फिर ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ना, इसका भी बनेगा यहाँ पे, ये जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो काफी बड़ा क्या बनता है, नेटवर्क बनता है। थोड़ा गलत हो गया, ये हमारे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हमारा जुड़ा रहता है ये। तो ये जो आपके बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये सारे बॉन्ड इस तरह से, मतलब एक कार्बन से कुल मिला के चार कार्बन जुड़े रहते हैं हर डायरेक्शन में, इस तरफ से। ठीक है, तो हर एक कार्बन के पास कितने कार्बन है, चार कार्बन है। तो बड़ा नेटवर्क बनता है, काफी डायमंड शेप में बनता है पूरा, मतलब इस तरह का बनता है। ठीक है, तो चलता रहेगा, ये फैलता रहेगा पूरे इधर। तो 3D स्पेस में आपके हर हर किसी कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, चार कार्बन अटैच रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये आपका बना डायमंड की स्ट्रक्चर हुई। फिर जो होता है आपके पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, देखिए इसमें शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हेक्सागन बनता है इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छ, छह कार्बन होते हैं इस तरफ। ठीक है, और तरह से नीचे पे हमारी सेम शीट होती है इसी तरह से। तो ये आपकी, देखिए इस कार्बन से, अब एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, इस कार्बन से एक तो ये अटैच है, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, तो तीन अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन अटैच होते हैं कार्बन से, यहाँ पे चार अटैच होते हैं कार्बन से। अब आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कवेंटली बॉन्डेड टू फोर कार्बन एटम, करेक्ट हो गया, हमको चेक करें नॉट करेक्ट। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज कवेंटली बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स सेम प्लेन, ये भी सही है। इन द CC बॉन्ड लेंथ इन ग्रेफाइट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड डिस्टेंस, तो ये भी हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन देखिए, अब यहाँ पे जो कार्बन आपके पास में दिखाया था, तीन कार्बन अटैच है इस कार्बन से, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इस कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार वैलेंस सेल, तीन से ही अटैच है बस, तो एक तो खाली बचेगा ना इसका, हर किसी का ही खाली बचा हुआ है। तो ये आपके पास जो खाली इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं अभी, वो आपके हो जाएंगे फिर यहाँ पे प्योर प्योर ऑर्बिटल्स में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजुगेशन शुरू हो जाएगा पूरा, तो पूरी शीट में इलेक्ट्रॉन्स आप घूमते रहते हैं, तो ना तो ये बचता है सिंगल बॉन्ड, ना बनता है पूरा डबल बॉन्ड, यहाँ पे कंजुगेशन चलता रहता है पूरी तरह से।
ठीक है, इस वजह से ये इन द इन इन वन लेयर जो डायमंड जो सॉरी ग्रेफाइट होता है वो अलोंग द शीट इस तरह मतलब इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, बात करूँ प्लेन की, एक तरह से इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कनेक्टर बन जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं बन पाता है क्योंकि बीच में गैप आ जाता है, ठीक। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर है डायमंड इज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये गलत है क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।